आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट थ्री वीडियो। ओके, ये पार्ट थ्री वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन चैनल और कुछ गाइडेड मीडिया के बारे में। क्या क्या गाइडेड मीडिया आता है कम्युनिकेशन चैनल के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? इट इज द पाथ थ्रू विच डाटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ओके, तो कम्युनिकेशन चैनल एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, जो रास्ते में डाटा और इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह को जाता है। ओके, द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। कम्युनिकेशन चैनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है देखेंगे, एक गाइडेड मीडिया, दूसरा अनगाइडेड मीडिया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे गाइडेड मीडिया क्या है। इट इज द मीडियम दैट बाउंडेड बाई केबलिंग सिस्टम दैट गाइडेड बाई डाटा सिग्नल्स अलोंग ए स्पेसिफिक पाथ। ओके, दैट मीन्स गाइडेड मीडिया में क्या होता है, एक स्पेसिफिक गाइड लाइन होता है, एक स्पेसिफिक केबलिंग सिस्टम होता है, जो केबलिंग सिस्टम के थ्रू, केबल के थ्रू हमारा डाटा और इन्फॉर्मेशन, वो केबल जो डायरेक्शन में रखा जाता है वो डायरेक्शन में केबल के अंदर से डाटा ट्रांसमिट होता है। तो एक स्पेसिफिक पाथ होता है यहाँ पर। ओके, वो पाथ के थ्रू डाटा जाता है, इसके लिए इसको गाइडेड मीडिया बोला जाता है। गाइडेड मीडिया को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज ट्विस्टेड पेड केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये तीन केबल के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो हम सेकंड कैटेगरी को अभी पढ़ेंगे, जो कि अनगाइडेड मीडिया है। ओके, देन उसके बारे में, उसके बाद हम ये ट्विस्टेड पेड, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अनगाइडेड मीडिया, इट इज़ अ वायरलेस सिस्टम, इट डज नॉट नीड एनी स्पेसिफिक केबल टू कनेक्ट। हियर द सिग्नल इज ट्रांसफर्ड थ्रू स्पेस। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मीडिया। दैट मीन्स अनगाइडेड मीडिया में यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पाथ नहीं होता है, स्पेसिफिक केबल सिस्टम नहीं होता है, ये एक वायरलेस मीडिया है। ओके, वायरलेस सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी वायर यूज नहीं होता है। मतलब अनगाइडेड मीडिया में जो सिग्नल, जो डाटा और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है वो एयर में ट्रांसफर होता है, स्पेस में ट्रांसफर होता है, कोई स्पेसिफिक केबल नहीं होता है। ओके, इसके लिए इसको अनगाइडेड मीडिया बोला जाता है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है डाटा फ्लो होने का। ओके, तो इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट टाइप्स में। वन इज रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन एंड ब्लूटूथ ट्रांसमिशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया है जो कि हम डाटा ट्रांसफर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सारे के बारे में, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, ये सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हमने जो गाइडेड मीडिया का तीन कैटेगरी पढ़े थे, तीन टाइप्स पढ़े थे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो तीनों का कंप्लीट होने के बाद ये जो फाइव टाइप्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे ट्विस्टेड पेयर वायर क्या है। ओके, ट्विस्टेड पेयर, इट इज मेड अप ऑफ ए प्लास्टिक इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल मीडिया। आउट ऑफ दिस टू वायर ओनली वन कैरीज द एक्चुअल सिग्नल एंड अनदर इज यूज्ड फॉर द ग्राउंड रेफरेंस। ओके, तो ये होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। आप ये डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल देखो, यहाँ पे चार ग्रुप ऑफ, फोर ग्रुप ऑफ ट्विस्टेड वायर से सारे वायर एक दूसरे के ट्विस्ट हुए, मतलब ओवरलैप होकर रहे हैं। अगेन ईच ट्विस्ट के अंदर से दो दो अलग अलग कॉपर का थ्रेड निकला है। ओके, तो इसका भी दो पैर है, इसका भी दो पैर, इसका भी दो पैर, इसका भी दो पैर, तो चार अलग अलग कलर का है। ओके, तो ये जो दो पैर है, दो पैर कॉपर वायर से, एक पैर एक्चुअल डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, दूसरा पैर हमारा ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज होता है। ओके, ग्राउंड रेफरेंस मतलब अर्थिंग के लिए।
अभी देखेंगे इसके एडवांटेजेस, ओके। इट इज सिंपल, लो कॉस्ट एंड इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। मतलब ये जो ट्विस्टेड पेयर वायर है बहुत सिंपल होता है और इसका कॉस्ट भी बहुत लो होता है, ओके। और इसको इजीली हम कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, ओके। इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई भी ज़्यादा कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा, लो कॉस्ट में हो जाएगा और इसका मेंटेनेंस भी बहुत लो कॉस्ट में हो जाएगा। सेकेंड वन इज, इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव मीडियम फॉर द लो स्पीड, दैट इज 10 Mbps स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। दैट मीन्स जो मीडियम में, मतलब जहाँ पे दो डिवाइस के अंदर हमको इतना ज़्यादा फास्ट डाटा कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे भी अबाउट 10 Mbps स्पीड में, मेगाबिट्स पर सेकेंड, इतना स्पीड में डाटा ट्रांसफर होने से हो सकता है, वो मीडियम में हम ये ट्विस्टेड पेयर वायर केबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट है तो उसके लिए हमको ज़्यादा कॉस्ट यूज बियर करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट इज सुइटेबल फॉर द स्मॉल डिस्टेंस नोड्स। स्मॉल डिस्टेंस नोड्स, नोड मतलब कंप्यूटर्स, मतलब अगर कुछ कंप्यूटर को लेकर हम एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो कि आसपास में है कंप्यूटर, बहुत कम डिस्टेंस में, जैसे कि एक कैंपस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, ओके, या एक रूम के अंदर कुछ कंप्यूटर है उसको लेकर हम एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उधर हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर सकते हैं, ओके। देन डिसएडवांटेजेस, इट कैन बी इजीली पिक अप नॉइज सिग्नल। दैट मीन्स एज ए लो कॉस्ट का वायर होता है, इसमें नॉइज सिग्नल जल्दी आ जाता है। नॉइज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड क्रिएट होता है, हमने साइंस में पढ़े थे अगर कोई वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होते तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से वहाँ पे दो वायर के बीच में नॉइज फॉर्मेशन होता है, ओके, स्पार्किंग होता है, तो ये इसमें इजीली ये हो सकता है क्योंकि लो कॉस्ट का वायर है। बींग थीन इन साइज एंड इजी टू ब्रेकअप, ओके, ये बहुत थीन होता है, पतला होता है ये ट्विस्टेड पेयर वायर केबल, इसके लिए वो इजीली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अनसुइटेबल फॉर द ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन, दैट मीन्स ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट हम यूज करते हैं दूर दूर तक इंटरनेट का डाटा सेंड करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए, हम ये ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड है, हम वर्ल्ड में जिस जो भी जगह पे जो भी आदमी है उसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द इंटरनेट, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी जी मीडियम के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए हम ये ट्विस्टेड पेयर वायर केबल यूज़ नहीं करते क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, उसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 10 Mbps है, ओके, तो ये ब्रॉडबैंड के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है देखेंगे। टेलीफोन कम्युनिकेशन, आपका जो लैंडलाइन का टेलीफोन होता है, अभी तो लैंडलाइन को यूज़ नहीं करते हैं, पहले जो लैंडलाइन यूज़ होता था, लैंडलाइन कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, घर में आपका जैसे इलेक्ट्रिक का एक वायर आता है उसी तरह लैंडलाइन का भी एक वायर आता है घर में से, वो वायर से आप टेलीफोन रिसीवर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वो जो टेलीफोन का वायर होता है, केबल होता है, वो ट्विस्टेड पेयर वायर का केबल यूज होता था पहले, ओके। तो ये हो गया हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कोएक्सियल केबल, ओके। सो इट हैज डिफरेंट लेयर, द सिग्नल, द सिंगल इनर कंडक्टर ट्रांसमिट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड द आउटर कंडक्टर एक्ट एज द ग्राउंड रेफरेंस। इट इज यूज इन द ट्रांसपोर्टिंग मल्टीपल चैनल्स, चैनल टेलीविजन सिग्नल्स इन ए सिटी, ओके। देखो अब इसका डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल, ये बीच वाला देखो ये कॉपर वायर है, मिडिल वाला ये एक प्लास्टिक इंसुलेटर है, इसको PVC इंसुलेटर बोलते हैं, ओके। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ब्लैक कलर का PVC इंसुलेटर, और ये बीच वाला देखो जो थर्ड लेयर में जो नेट जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉपर मेस, कॉपर का ये एक नेट है, ओके। ऊपर वाला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है, ओके। दिस इज द आउटसाइड इंसुलेटर, तो ये दो टाइप का इंसुलेटर यहाँ पे यूज है, ये आउटर इंसुलेटर, ये इनर इंसुलेटर। ये जो इंसुलेटर
ये कॉपर मेस और ये बीच वाला कॉपर वायर को सेपरेट करने के लिए ये इंसुलेटर बीच में यूज होता है, और ये आउटर इंसुलेटर होल वायर को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज होता है। ओके, जो बीच वाला मिडिल में जो कॉपर वायर है, ये मिडिल कॉपर वायर में ही एक्चुअल डाटा हमारा ट्रांसफर होता है, जो भी डाटा हम ट्रांसफर करते हैं। और ये जो कॉपर मेस वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने ट्विस्टेड पेयर वायर में देखा था, दो पेयर ऑफ केबल होता था, उसमें एक एक्चुअल डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता था, दूसरा ग्राउंड रेफरेंस के लिए। ओके, तो इसमें ये जो कॉपर मेस ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज होता है। ग्राउंड रेफरेंस मतलब अर्थिंग, जिसके लिए आप, जिससे क्या होगा, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, बाहर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं, आपको आप इसको टॉच करने से आपको करंट नहीं लग सकता है। ओके, इसके लिए ग्राउंड रेफरेंस कॉपर मेस का यूज होता है। देन इसका भी हम एडवांटेजेस देखेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस है। डाटा ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेटर देन द ट्विस्टेड पेयर वायर। मतलब ट्विस्टेड पेयर वायर में जितना स्पीड में, जितना इफेक्टिवली डाटा ट्रांसफर होता था, इसमें उससे बहुत अच्छा में और बहुत जल्दी और हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर हो सकता है। इसका बैंडविड्थ देखो 400 Mbps, अबाउट इसका 400 Mbps, और ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। हमने ट्विस्टेड पेयर वायर में पढ़ा था, ट्विस्टेड पेयर वायर का डिसएडवांटेज था वो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं हो पाता था, और ये कोएक्सियल केबल हमारा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। दैट मीन्स हाई स्पीड नेटवर्किंग के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर है, उसको उसमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसका ट्विस्टेड पेयर वायर का डाटा ट्रांसफर स्पीड था 10 Mbps, इसका 400 Mbps, तो इसका डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज सुइटेबल फॉर द स्मॉल डिस्टेंस नोड्स। ओके, और ये भी आस पास में अगर कंप्यूटर है तो वही कंप्यूटर के, कंप्यूटर में ज़्यादा स्पीड में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। देन हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज एक्सपेंसिव देन द कोएक्सियल केबल। सॉरी, ये रॉन्गली लिखा गया है, इट इज एक्सपेंसिव देन द ट्विस्टेड पेयर वायर केबल। ओके, ये ट्विस्टेड पेयर वायर केबल से बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, देन इसका यूज है, इट इज यूज फॉर द ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड द टीवी केबल्स। आपके घर में जो टीवी आता है, जैसे कि आप घर में कोई भी यूज करते हैं, जैसे कि टाटा स्काई या डिश टीवी या जो भी यूज करते हैं, वो एंटीना से और आपके टीवी के बीच में जो वायर आप यूज करते हैं टीवी को कनेक्ट करने के लिए, एंटीना को टीवी को कनेक्ट करने के लिए, बीच में जो केबल यूज करते हैं वो केबल आपका कोएक्सियल केबल होता है। ओके, वो केबल के अंदर एट ए टाइम बहुत सारे डाटा आ सकता है। जैसे कि आपके टीवी में हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स आते हैं, तो एक केबल के अंदर हंड्रेड ऑफ चैनल आपके टीवी में एंटीना के थ्रू आता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, जो कि थर्ड टाइप है हमारा। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। द कोर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और प्लास्टिक। फ्रॉम वन एंड ऑफ इट लाइट इज एमिटेड। व्हेन द लाइट रे हीट एट द क्रिटिकल एंगल इट टेंड्स टू रिफ्लेक्ट 90 degrees एंड ट्रेवल थ्रू द केबल टू द अदर एंड। द लाइट डिटेक्टर्स एट द अदर एंड डिटेक्ट द लाइट स्ट्रीम एंड कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिक डाटा। ओके, लेट सी द डायग्राम। ये डायग्राम को देखो, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। दैट मीन्स कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर वायर हमने जो पढ़े थे उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाटा इलेक्ट्रिक फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता था, पर इसमें क्या होता है, डाटा लाइट फॉर्म में ट्रांसफर होता है। देखो यहाँ पे कोएक्सियल केबल है, ये कोएक्सियल केबल, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर देखो बहुत सारे प्लास्टिक छोटे छोटे केबल्स है, उसमें से देखो लाइट रेस, बहुत लाइट बीम्स निकलता है, लाइट रे। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे लाइट के फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है। ओके, हमको पता है लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड में ट्रांसफर होता है, ज़्यादा स्पीड में वो मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, तो यहाँ पे लाइट टेक्नोलॉजी यूज हुआ है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि हमको हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर करना है। द कोर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक इज मेड अप ऑफ
हाई क्वालिटी ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये जो बीच वाला है, ये प्लास्टिक आप दिख रहे हैं डिफरेंट कलर का, उसके अंदर हाई क्वालिटी का ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल में फाइबर्स बनाए, वायर्स बनाए गए हैं फाइबर्स, जो कि हमारा जो हेयर है, हमारा हेयर जितना पतला होता है उतना पतले का प्लास्टिक और ग्लास का वायर होता है बीच में, ओके, वो वायर में से ये जो लाइट बीम्स निकलता है और वो लाइट बीम के साथ ही डाटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। फ्रॉम वन एंड ऑफ द लाइट एमिटेड, लाइट एक जगह से एमिटेड होता है, ओके, एंड ट्रेवल द केबल टू द अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड में डाटा ये लाइट फॉर्म में, वो जो इनर ग्लास मटेरियल का हेयर लाइक पाइप होता है और वायर होता है, वो वायर के थ्रू डाटा लाइट फॉर्म में ट्रांसफर होता है। देखो, व्हेन रे हिट एट ए क्रिटिकल एंगल इट टेंड टू रिफ्लेक्ट 90 डिग्री। देखो यहाँ पर रेड कलर में दिया गया, एक एंड में लाइट, ये जो हेयर लाइक ग्लास है ये थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाया गया है, पर इतना बड़ा सा वायर नहीं होता है। जब लाइट रे ये ग्लास मटेरियल का वायर के अंदर जाता है तो ये ऐसे जाता है, यहाँ पे वो जाके पहुँचता है, देन पहुँचने के बाद वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होके 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है और 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन करके वो नीचे आते हैं, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होकर 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन कर करके वो एक एंड से दूसरे एंड में जाकर पहुँचता है, ओके। अब जब वो फाइनली बाहर निकलता है तो हमको लगता है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में निकलता है, ओके। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर का वायर होता है उसका सेंडिंग एंड, मतलब जहाँ से सिग्नल सेंड किया जाता है, और रिसीविंग एंड जहाँ पे सिग्नल को रिसीव किया जाता है, वहाँ पे दो डिटेक्टर्स यूज होते हैं। रिसीविंग एंड में एक लाइट डिटेक्टर यूज होता है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, ओके, डिटेक्ट करके उसको कन्वर्ट करता है, लाइट जो लाइट स्ट्रीम को, लाइट बीम को इलेक्ट्रिकल डाटा में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को देता है। इट कम्स इन टू मोड, दैट इज सिंगल एंड मल्टी मोड फाइबर। द सिंगल मोड फाइबर कैन कैरी ए सिंगल रे ऑफ लाइट, वेयर इज द मल्टी मोड फाइबर कैन कैरी मल्टीपल बीम्स ऑफ लाइट। देखो ये दो एग्जाम्पल दिया गया है, ये सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में एक ही लाइट का रे, लाइट का बीम जाता है, मतलब एक ही टाइप का डाटा ट्रांसफर हो सकता है, और ये मल्टी मोड, मल्टी मोड में क्या हो सकता है, एट ए टाइम ये डिटेक्टर है, एट ए टाइम यहाँ से मल्टीपल रेस ऑफ लाइट जाता है, मतलब बहुत सारे डाटा एट ए टाइम इसमें ट्रांसफर किया जाता है, ओके। तो सिंगल मोड मल्टी मोड, सिंगल मोड बहुत फास्टर होता है, मल्टी मोड उससे थोड़ा स्लो होता है, ओके। इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली और थोड़ा अलग कुछ एग्जांपल में हम समझेंगे। सपोज आप जो मोबाइल कम्युनिकेशन यूज करते हैं उसमें भी हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, जैसे कि देखो सपोज हमने मोबाइल में एक मैसेज सेंड किया हेलो, तो हेलो हम मोबाइल में टाइप करते हैं टेक्स्ट के हिसाब से, HELLO लिखते हैं, पर वो मैसेज डायरेक्टली जाता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स को समझ नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एवरी अल्फ़ाबेट जो हम लिखते हैं मैसेज के अंदर, उसका एवरी अल्फ़ाबेट को वो एक कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी कोड। देखो H का एक कोड यहाँ पर आया, E का, L का, उसी तरह जितने भी अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे सभी अल्फ़ाबेट का एक कोड फॉर्मेशन होता है, 0101 को कॉम्बिनेशन में एक बाइनरी कोड को वो कन्वर्ट करता है। तो हमने मोबाइल में एक मैसेज लिखा हेलो, तो वो क्या किया, इसको एक कोड में कन्वर्ट किया, ओके। हम देखेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमने ये मैसेज लिखा, अब ये मैसेज को वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया, ओके। देन वही मैसेज क्या हुआ, आपका जो नियरेस्ट आपने मैसेज सेंड किया, सेंड करने के बाद वो वेव के थ्रू, ओके,
वो आपका नियरेस्ट जो मोबाइल का टावर होगा, जहाँ पे एंटीना होगा, वो मोबाइल टावर को वो वेव के थ्रू वो सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है। ओके, ट्रांसफर होने के बाद देखो वहाँ पे एक वायर लगा है, ये वायर को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो सिग्नल आता है। देखो ऑप्टिकल फाइबर, हमने जो मैसेज सेंड किया था वो मैसेज ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट फॉर्म में अभी जा रहा है। ओके, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर, ये समंदर के अंदर भी बिछाया गया है, मिट्टी के अंदर, समंदर के अंदर, होल वर्ल्ड वाइड ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। हम मैसेज जहाँ पे भी भेजेंगे, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर भी, वर्ल्ड का जो भी कंट्री या जो भी कॉन्टिनेंट में जो भी आदमी होगा, उसको हम जो भी मैसेज भेजेंगे वो मैसेज ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उसके पास जाकर पहुँचेगा। ओके, सपोज हम एक मैसेज भेज रहे हैं एक आदमी अमेरिका में, तो उसको हम मैसेज भेज रहे हैं, तो हमारा जो नियरेस्ट टावर में वो सिग्नल पहुंचा, देन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो सभी हमारा मैसेजेस वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू समंदर के अंदर भी वो जाकर यूएसए में पहुंचेगा वो आदमी के पास। ओके, अगर वो हमारा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर होगा तो उसके बीच में समंदर नहीं आएगा, वो मिट्टी के अंदर ही सिग्नल जाएगा, जाकर उसका नियरेस्ट जो टावर होगा वो टावर के पास जाकर पहुंचेगा, देन टावर के पास पहुंचने के बाद वहां से फिर से वेब में उसका मोबाइल के अंदर जाके घुस जाएगा। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ये देखो समंदर के अंदर भी इसको बिछाया जाता है। ओके, ग्राउंड में क्या होता है, मिट्टी के अंदर बिछाया जाता है, समंदर में क्या होता है, पानी के अंदर भी इसको बिछाया जाता है। ये जो समंदर में इसको बिछाने का काम कुछ कंपनी करते हैं और उसका मेंटेनेंस भी करते हैं, बीच बीच में ये टूट जाता है, ये खराब हो जाता है, उसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। इसको मेंटेनेंस कुछ अलग अलग कंपनीज करते हैं, जैसे कि AT&T, ऑरेंज, देन वेरिजन, गूगल, ये सभी कंपनी होते हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर को समंदर में या लैंड के अंदर बिछाने के वो काम करते हैं। क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, तो ये जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो ही इसको यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, तो हमारा हो गया ऑप्टिकल फाइबर, अभी देखेंगे इसका एडवांटेजेस के बारे में। इट इज बेटर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन, दैट मीन्स आप वर्ल्ड वाइड जो भी जगह पे जिसको भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, तो बहुत जल्दी डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। आप जो भी वर्ल्ड में जो भी कंट्री कॉन्टिनेंट का जो भी आदमी हो उसके साथ आप मोबाइल में कम्युनिकेट करते हैं, वो एक सेकेंड या वो एक मिनट के अंदर उसके साथ कनेक्शन हमारा हो जाता है। ओके, तो ये सारे काम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है। दीज आर वेरी लाइटर एंड थिनर। ओके, तो ये बहुत लाइट होता है, मतलब ज़्यादा हेवी नहीं होता है और पतला भी होता है। इट इज वेरी फास्टर एज कम्पेयर टू द कोएक्सियल केबल। तो ये कोएक्सियल केबल से बहुत हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर करता है। ओके, देन डिसएडवांटेजेस, दिस केबल्स आर वेरी हाई कॉस्ट एंड डिफिकल्ट टू मेंटेनेंस। ये बहुत कॉस्ट होता है और उसको मेंटेनेंस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर होता है और समंदर के अंदर होता है, तो इसको मेंटेनेंस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बड़े बड़े कंपनी इसका मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं वो इसको समंदर के अंदर भी जाकर उसका मेंटेनेंस करते हैं। और ये वायर का कुछ लाइफ स्पान होता है, जैसे कि 25 ईयर या 30 ईयर, उसके बाद ये वायर को दोबारा मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, ये सारे वायर को निकाल के नया अलग सा वायर उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ओके, यूजेस, ये टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए और वाइड एरिया कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिखा था मोबाइल का कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, या वाइड एरिया मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए ये यूज होता है। ओके, जैसे कि हम कंप्यूटर में बैठ के कुछ मैसेज, कुछ ईमेल्स हम डिफरेंट कंट्री या कॉन्टिनेंट को भेजते हैं, तो ये सारे मैसेजेस हमारा मोबाइल टावर के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर के जरिए
डिफरेंट प्लेसेस में जाकर पहुंचता है। ओके,